अभी जब यहाँ आए हैं तो मौका का मुआयना किए हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखे, ऑफिसर से बात किए, और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए, तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके PSO सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनका उनके फादर भी वहाँ पे थे, और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है, उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग द्वारा अफसोस करते हैं, और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंजनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस आर्मी CRP मिल के इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। सर ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन था, जैसा हमने सुना है कि 10 PSO इसको बिल्कुल ये थाने से बिल्कुल नज़दीक हमला हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स है क्या? अनफॉर्चुनेट जो थाने में जो मेरा CCTV कैमरा था उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया। हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, CRP के कमांडेंट साहब भी, सब मिलकर देखे हम लोग, एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग्स था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे, और उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 PSO भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं, और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। सर कितने मिलिटेंट्स आए थे अटैक करने के लिए, आपका नंबर था? उसमें एक मिलिटेंट जो फायरिंग किया नज़दीक से, एक मिलिटेंट जो है वो दूर से उसको गाइड कर रहा था, जो एक्सपोर्टर जिसको कहते हैं हम लोग। सर आपको लगता है मिलिटेंट प्रेजेंस यहाँ पर है इस हिसाब से कि इतने क्लोज जहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन है और थाने के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलिटेंट का प्रेजेंस तो रहता ही है। मिलिटेंट में पहले कह दिया कि प्री प्लान अटैक लग रहा है, प्लानिंग करके, क्योंकि जो मिलिटेंट जो उसका एक्सपोर्टर है, जब ये घर से गाड़ी में बैठ के गया, अपने ससुराल गए हैं, उस टाइम भी एक लड़का दिख रहा है कि जिसको वॉच कर रहा है, जो वॉच वापस आए उसमें दिख रहा है इसको, तो CCTV फुटेज से लग रहा है कि प्री प्लान अटैक है, और मिलिटेंट का प्रेजेंस था तब तो अटैक हुआ। लेकिन कोई बात, घबराने की कोई बात नहीं है, और हम लोग इसको जल्दी खबर को और डेवलप करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हाजी साहब, ये BJP समेत बाकी जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडर्स की सिक्योरिटी इस अटैक को